मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के नवगठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलईगढ़ का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां उनके भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नवगठित जिला सारंगढ़ बिलईगढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य एवं आत्मीयता से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के स्वागत में युवाओं ने बाइक रैली निकाली और स्कूली बच्चों ने कर्मा नृत्य किया। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान उनके स्वागत में सड़कों के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिला। रोड शो के दौरान नित्य श्री धारा इंस्टीट्यूट रायपुर के छोटे छोटे बच्चों द्वारा कर्मा नृत्य कर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बेंगलुरु में कांजीवरम सिल्क से निर्मित और तिरुपति बालाजी में चढ़ाए गए मुकुट और साल भेंट किया गया। नया जिला की सौगात मिलने पर गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया गया। पुष्प और गजमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न संगठन पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों राइसा कुर्मी ठेठरी गजकुलिया और केलों से तौला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो के दौरान गुरु घासीदास पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खाम में ध्वजारोहण किया गया। गौरतलब है कि गुरु घासीदास पुष्प वाटिका सारंगढ़ क्षेत्र में सतनामी समाज का पहला जैत खाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नवगठित 30वां जिला सारंगढ़ बिलईगढ़ के कलेक्टर एवं जिला दंडा अधिकारी कार्यालय का छत्तीसगढ़ महतारी के चल चित्र माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। कार्यालय के भूतल एवं प्रथम तल में स्थित 18 विभिन्न कक्ष में 36 शाखाओं के कार्यालय कामकाज संचालन हेतु बैठक व्यवस्था की गई। इनमें भूतल पर जिला कलेक्टर कार्यालय एवं सभागार सहित 2 न्यायालयीन कक्ष, इसी तरह अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं वित्त शाखा, नजरी खाद्य शाखा, भू अभिलेख शाखा, राजस्व अभिलेख शाखा, नुजल शाखा, स्थानीय निर्वाचन शाखा, सामान्य निर्वाचन शाखा, भू अर्जन शाखा, शिकायत शाखा, जनदर्शन शाखा आदि शाखाओं के कार्यालय शामिल है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए सारंगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ समाचार चैनल को सब्सक्राइब